हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों यहां पे ये जो स्कूटर में और मोटरसाइकिल में एडजस्टमेंट के लिए नट दिया रहता है, ये कभी कभी जाम हो जाता है। और जाम होने से प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये देखिए कंप्लीट असेंबली ही रोटेट हो रहा है। आप कितना भी इसे रोटेट कीजिए, पूरा इधर घुमा भी दीजिए तो ये पूरा ही घूम रहा है, ये एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। और अगर आप इसे बाहर भी निकालना चाहेंगे तो वो निकलेगा नहीं, और अगर ज़्यादा इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जो कंप्लीट केबल है, जनरली ये केबल वाले सिस्टम में ही होता है, मोटरसाइकिल में तो एक छोटा सा रॉड टाइप का रहता है तो वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बट यहाँ पे ये देखिए, ये होंडा एक्टिवा है और इसमें केबल है, तो जब भी मैं अगर इसे रोटेट करूँगा तो कंप्लीट असेंबली ही रोटेट हो रहा है। तो इसको आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर कैसे इसको अगर चेंज भी करना हो केबल तो आप कैसे करेंगे, तो बहुत ही इरिटेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अंदर में, तो यहाँ पे एक 8 mm का एक आप इसको कह सकते हैं कि नट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसी का पोर्शन रहता है, इसी में कास्टेड रहता है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी सिंपल स्पैनर भी ले सकते हैं, और ये फ्लेयर नट स्पैनर है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसमें यहाँ पे जा कर के इसे होल्ड कर लूँगा। ये देखिए मैंने इसे होल्ड कर लिया, अब देखिए अब कितना ईजली ये होगा। देखिए अब ये आराम से बाहर आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए अब ये कंप्लीट पोर्शन रोटेट नहीं हो रहा है, बस यही रोटेट हो रहा है। और इसको आप कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इतना इसको लूज कर लिया है, ये देखिए ये अब बाहर आ रहा है। तो इस तरह से कभी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी स्पैनर से आप होल्ड कर लीजिए और उसके बाद ये इजीली आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका पर्पस यही होता है कि कभी अगर ये फंस जाए, ये टाइट हो जाए, ओपन ना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं छोटा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ताकि जब भी आप रियल लाइफ में खुद से कुछ रिपेयर करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं आप फंसे तो उसका आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपने उसे कैसे सॉल्व किया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।